तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटाफोर्स सिस्टम के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा, मेटाफोर्स सिस्टम से लोग बहुत ही कम दिनों में हजारों लाखों रुपए की अर्निंग कर चुके हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा व्हाट्सएप पर या यूट्यूब पर भी, आपने काफ़ी जगह देखा होगा। दोस्तों, मेटाफोर्स 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और यह सिस्टम लाइफ में कभी भी बंद नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप इसमें ज्वाइन होते हैं तो आप भी हजारों लाखों रुपए की अर्निंग आसानी के साथ कर सकते हैं। आपको इसमें वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों प्रकार से इनकम मिल जाएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आपको इसमें मिनिमम ज्वाइनिंग कितने रुपए से करनी है और आपको कौन सी ज्वाइनिंग आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, बात करते हैं मेटाफोर्स सिस्टम में ज्वाइनिंग के बारे में। दोस्तों, मेटाफोर्स सिस्टम में मिनिमम ज्वाइनिंग जो स्टार्ट हो जाती है तो वह 5 डाई कॉइन है, जो कि स्टेबल कॉइन है। आपको बता दें, 1 डाई कॉइन $1 के बराबर होता है और $1 80 से 85 रुपये के बीच में मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो वह 79, 78, 80 के बीच में दिखाई देगा, लेकिन अगर आप किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज से बाय करते हैं तो वह 80 से 85 रुपये के बीच में ही आपको $1 मिलेगा। तो दोस्तों, आपके पास आईडी लगाने के लिए मिनिमम 500 डाई स्टेबल कॉइन होने चाहिए और दोस्तों 2 मैटिक कॉइन होने चाहिए, जो कि समथिंग $2 के आपके पास मैटिक कॉइन होने चाहिए। और ये कॉइन आपके पास ट्रस्ट वैलेट के अकाउंट में होना चाहिए। ट्रस्ट वैलेट का अकाउंट किस प्रकार से बनाना है, इस पर हमने पहले ही वीडियो बना रखी है। दोस्तों, आपको वह वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ से क्लिक करके ट्रस्ट वैलेट की पूरी जानकारी ले सकते हैं और आपको कॉइन किस प्रकार से मंगवाने हैं और कौन कौन से कॉइन ऐड करने हैं, वह सब कुछ हमने उसी वीडियो में बताया है। तो दोस्तों, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब दोस्तों, जैसे आप पहले स्लॉट से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको इंडियन रुपीज़ में कम से कम 600 रुपये की ज्वाइनिंग लगती है, और अगर आप 2 स्लॉट के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपके पास 15 डाई स्टेबल कॉइन होने चाहिए और समथिंग 2 मैटिक कॉइन होने चाहिए। तो दोस्तों, आपको 2 स्लॉट में ज्वाइनिंग करने के लिए आपके पास 1500 रुपये का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अब दोस्तों, हम सिर्फ 3rd स्लॉट के बारे में और बात कर लेते हैं, जिसका नाम है S3। दोस्तों, अगर आप 3 स्लॉटों के साथ अपनी आईडी लगाना चाहते हैं तो आपके पास 20 डाई स्टेबल कॉइन और होने चाहिए। साथ आईडी लगाना चाहते हैं तो आपके पास टोटल 35 डाई स्टेबल कॉइन होने चाहिए और 3 मैटिक कॉइन होने चाहिए। तो दोस्तों, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 3000 से 3200 रुपये के समथिंग में हो जाता है और आपकी 3 स्लॉटों में आईडी लग जाती है। अब दोस्तों, हम आपको यह बताने वाले हैं, अगर आप 1 स्लॉट के साथ आईडी लगाना चाहते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा, और 2 स्लॉट के साथ लगाते हैं क्या फ़ायदा होगा, और 3 स्लॉटों के साथ एक साथ ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको कितना बड़ा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, हम आपको यही बताने वाले हैं। तो देखिए, जैसे आप पहले और 2rd स्लॉट में आईडी लगा लेते हैं तो इन दोनों स्लॉटों के नाम S6 हैं। तो दोस्तों, हम इन दोनों स्लॉटों को एक साथ ही समझा देते हैं, यह दोनों बिल्कुल प्रॉपरली एक जैसे ही वर्क करेंगे। तो दोस्तों, यह देखिए, अब दोस्तों यह देखिए, जैसे आपकी आईडी 2 स्लॉटों में एक्टिवेट हो जाती है तो आपको पहले और 2rd स्लॉट में 6 गोले देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि 2 गोले आपको ऊपर देखने के लिए मिलेंगे और 4 गोले आपको नीचे देखने के लिए मिलेंगे। अब दोस्तों, जैसे ही आप अपने नीचे किसी को 1500 रुपये से जोड़ते हो तो यह देखिए, पहले वाले स्लॉट में जो आईडी लगेगी वह आपके पहले वाले गोले में लगेगी, जिसकी इनकम अपलाइन को जाएगी, और दूसरे वाले गोले में जो आईडी लगेगी उसकी इनकम भी अपलाइन को जाएगी, क्योंकि उसकी आईडी भी पहले वाले गोले में ही लगेगी। अब दोस्तों, जैसे ही आप कोई दूसरी आईडी लगाते हो, अब आप कोई भी दूसरी आईडी अगर 2 स्लॉटों से लगाओगे तो वह दूसरे वाले गोले में आके बैठेगी, जो कि उसके सामने है, और दोनों गोलों में ही दूसरे गोले में आके बैठेगी, जिसकी इनकम आपको नहीं मिलेगी, उसकी इनकम भी अपलाइन को जाती है। क्योंकि दोस्तों, जो S6 के जितने भी स्लॉट हैं, उन स्लॉटों में पहले गोले में जितनी भी आईडी लगेंगी वह सभी की इनकम अपलाइन को जाती है। अब दोस्तों, जैसे आप अगर 2 स्लॉटों से आईडी लगाते हो तो आपके ही दोनों स्लॉटों में गोले भरे जाएंगे। दोस्तों, अगर आप 2 स्लॉट से आईडी नहीं लगाते हो, कोई भी व्यक्ति अगर 600 रुपये से आईडी लगाना चाहता है 1 स्लॉट में, तो आप उसकी आईडी 1 स्लॉट में भी लगा सकते हो। अब जैसे आप कोई तीसरी आईडी 1 स्लॉट से लगाते हो 600 रुपये से, तो दोस्तों आपके जो पहला स्लॉट है S6 का, आपके तीसरे वाले गोले में आकर उसकी आईडी लगेगी, यह देखिए, पहले वाले स्लॉट में, क्योंकि आपने उसकी आईडी सिर्फ 1 स्लॉट से लगाई है, तो आपके पहले वाले स्लॉट में तीसरे वाले गोले में उसकी आईडी लग जाएगी और इसके पूरे $5 आपको मिल जाएंगे। अब दोस्तों,
दूसरे वाले गोले में जो कि SC6 है, इसका तीसरा गोला खाली रहेगा क्योंकि आपने वह ID एक स्लॉट से लगाई है, तो उसका सिर्फ एक स्लॉट में ही गोला भरा गया है। अगर आप उसकी ID भी 1500 रुपये से लगाते हैं दोनों स्लॉटों में, तो वह ID दूसरे स्लॉट में भी तीसरे गोले में लगेगी और इसके $10 आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको प्रत्येक ID की इनकम मिलती रहेगी। अब जैसे आप कोई चौथी ID लगाते हो, पहले स्लॉट में लगाते हो 600 रुपये से, तो आपके चौथे वाले गोले में आके भरेगी और इसकी इनकम आपको मिलेगी। और दोस्तों, अगर आप दोनों स्लॉटों में लगाते हो तो यह देखिए चौथी ID इस वाले गोले में आके लगेगी और इसकी इनकम भी आपको मिलेगी। तो इसी प्रकार से आपको SC6 में जितने भी स्लॉट हैं, 3 ID की इनकम आपके अपलाइन और क्रॉस लाइन को जाती है, किसी को भी जा सकती है, और 3 ID की इनकम आपको मिलनी ही मिलनी है। अब दोस्तों, यह देखिए SC6 में आपने $5 लगाकर यह स्लॉट एक्टिवेट किया था, और एक बार स्लॉट रिसाइकिल होने के लिए 6 जॉइनिंग की ज़रूरत होती है, यह देखिए। और आपको एक बार रिसाइकिल होने पर $5 की जगह $15 का बेनिफिट मिल जाता है। तो दोस्तों, यह देखिए आपने इसमें सिर्फ $5 लगाए थे और आपको $15 मिल गए हैं, और यह स्लॉट अब कभी भी बंद नहीं होगा। अगर आप इस स्लॉट को एक बार एक्टिवेट कर लेते हैं तो यह लाइफ टाइम एक्टिवेट ही रहेगा। दोस्तों, आपको इसमें दोबारा $5 नहीं देने होंगे, आपको सिर्फ हर प्रत्येक स्लॉट में एक बार डॉलर देने हैं, और लाइफ में आपको कभी भी डॉलर नहीं देने हैं। फिर आपको इनकम होती रहेगी, जो भी इनकम आपकी होगी आप उसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो, या आप उसको विड्रा भी कर सकते हो। अब दोस्तों, बात करते हैं अगर आप तीनों स्लॉटों के साथ ID लगाना चाहते हैं तो आपका 3000 से 3200 रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है। अब यह देखिए, जैसे आप तीनों स्लॉटों में ID लगाते हैं, और जैसे ही आप कोई ID 3200 रुपये से अपने टाउन में लगाते हो, तो यह देखिए SC6 में पहले और दूसरे लेवल में पहले गोले में ID लगेगी, जिसकी इनकम अपलाइन हो जाती है, और S3 जो कि तीसरा स्लॉट है, इसमें भी पहले वाले गोले में ही ID लगेगी, जो कि तीसरा स्लॉट है आपका। दोस्तों, अगर आप तीनों स्लॉटों से ID लगाते हो और अपने टाउन की भी तीनों स्लॉटों से ही ज्वाइनिंग कराते हो, तो आपको प्रत्येक ID पर बेनिफिट होगा। यह देखिए, जैसे कि उसकी पहली ID S3 में पहले वाले गोले में आके लगेगी, तो यह देखिए यह तीसरा स्लॉट है $20 का है, और पहली ID जब इसमें आके लगेगी तो पहले वाले गोले में आके लगेगी, तो आपको $20 का बेनिफिट मिल जाएगा, जो कि आपको 1700 रुपये के समथिंग का होता है। दोस्तों, आपको पर ID पर 1700 रुपये मिल जाएंगे अगर आप 3200 रुपये से किसी की भी ID लगाते हो तो। अब दोस्तों, जैसे ही आप कोई 3200 रुपये से दूसरी ID लगाते हो, तो आपको फिर से $20 मिल जाते हैं और आपको 1700 रुपये का बेनिफिट फिर हो जाता है। अब दोस्तों, जैसे ही आप कोई तीसरी ID लगाते हैं, तो यह देखिए आपकी S6 में तीसरी ID यहाँ पर आके लगेगी नीचे, जिसके $5 आपको मिल जाएंगे, और S6 में इसमें भी तीसरे वाले गोले में ID लगेगी, और S3 में तीसरे वाले गोले में ID लगेगी, जो कि यह रिसाइकिल हो जाएगा और इसकी इनकम आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों, यह स्लॉट आपका फिर से खाली हो चुका है S3 का, जो तीसरा स्लॉट है तीसरी ID पर, लेकिन आपको तीसरी ID लगाने पर S6 के जो पहला और दूसरा स्लॉट है, इनसे आपको $15 मिल चुके हैं। अब दोस्तों, जैसे आप कोई चौथी ID लगाते हो 3200 रुपये से, तो यह देखिए S6 में चौथे वाले गोले में ID लगेगी, जिसके आपको $5 मिल जाएंगे, और S6 का जो दूसरा स्लॉट है, इसमें चौथे वाले गोले में ID लगेगी, जिसके $10 आपको फिर मिल जाएंगे, और S3 में भी देखिए आपके गोले सभी तीनों खाली हो चुके हैं, क्योंकि जैसे ही आपने तीसरी ID लगाई थी तो वह तीसरे वाले गोले में लगी थी, और आपके S3 के तीनों गोले खाली हो गए थे, क्योंकि आपका स्लॉट रिसाइकिल हो गया था। और जैसे ही कोई चौथी ID आती है, तो यह देखिए वह पहले वाले गोले में आके लगेगी, जिसके $20 फिर आपको मिल जाएंगे। अब यह देखिए, जैसे आपने चौथी ID लगाई थी, तो $5 आपको पहले वाले से, $10 दूसरे वाले से, और $20 तीसरे वाले से मिल जाएंगे। यानी कि आपको जो आपने चौथी ज्वाइनिंग 3200 रुपये की लगाई, जो स्लॉट उसने तीन एक्टिवेट किए थे $35 लगाकर, तो वह आपको सभी मिल जाएंगे, और जितना इन्वेस्टमेंट उसने किया था स्लॉट एक्टिवेट करने में, वह आपको टोटली आपको मिल जाएगा। दोस्तों, इसका $1 भी कहीं नहीं जाएगा, यह आपके डायरेक्ट ट्रस्ट वैलेट में आएगा, यही इस सिस्टम की पावर है। दोस्तों, आपको प्रत्येक ID से पैसा मिलेगा। अब जैसे ही आप कोई 5वीं ID लगाते हैं, फिर आपको पूरा पैसा मिल जाएगा, और 6ठी ID लगाते हैं तो आपके यह सभी स्लॉट रिसाइकिल हो जाएंगे, और 7वीं ID लगाते हैं तो यह सिस्टम फिर शुरू से स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं, लेकिन आपके यह स्लॉट कभी बंद नहीं होंगे, और दोस्तों आपको इनकम बार बार आती रहेगी इन स्लॉटों से ही। आप कितनी भी ID लगा सकते हैं और इस सिस्टम से कितना भी पैसा कमा सकते हैं। अब दोस्तों, जैसे आप इसमें ज्वाइन होते हैं, तो आपकी ज्वाइनिंग
ट्रस्ट वैलेट से लगती है, जिसकी वीडियो हमने बना रखी है। आपको उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब दोस्तों, जो आपका पैसा आता है वह आपके वैलेट में आता है। जैसे कि आप जिस वैलेट से आईडी लगाते हो, जैसे कि ट्रस्ट वैलेट से, अगर आप ट्रस्ट वैलेट से आईडी लगाते हो तो आपका पैसा डायरेक्ट ट्रस्ट वैलेट में आएगा, जिस पर कि आपका पूरा कंट्रोल होगा। दोस्तों, आप अगर किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो सभी कंपनियों का पैसा उसकी आईडी में आता है, जिसको कि आपको विड्रा मानना पड़ता है। जैसे कि मिनिमम विड्रा 500, 1000, 2000, 10000 रुपये रखा जाता है, तो आपको जब विड्रा मानना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, इस सिस्टम में ऐसा नहीं है। अगर आप इसमें एक आईडी लगाते हैं और आपको $5 भी मिलते हैं, तो $5 आपके डायरेक्ट वैलेट में आएंगे और उनको आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, या आप अपने अकाउंट में भी एक्सचेंज करके विड्रा कर सकते हो। दोस्तों, मेटाफोर्स सिस्टम बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग सिस्टम है और यह अब एक ब्रांड बन चुका है। आप भी इस सिस्टम में जुड़कर बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हो और दोस्तों, दूसरे लोगों को भी रोज़गार दे सकते हो। दोस्तों, इस सिस्टम से आप घर बैठे ऑनलाइन वर्क कर सकते हो। सिर्फ आपको इसमें ज्वाइनिंग करानी होती है और इसका कोई हॉलीडे नहीं होता है, क्योंकि यह जब तक इंटरनेट चलती रहेगी तब तक यह सिस्टम चलता रहेगा। इसको ना ही कोई बंद कर सकता है और ना ही इस सिस्टम को कोई हैक कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको इस सिस्टम में ज्वाइन होना है तो मिनिमम 600 रुपये लगा कर भी ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो आप 3200 रुपये लगा कर भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस सिस्टम में जुड़ने के लिए आपको इस वीडियो की स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको इस सिस्टम के बारे में कंप्लीट जानकारी दी जाएगी और आपको आईडी लगाने की करेंसी की फुल ट्रेनिंग दी जाएगी और आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों, आपकी टीम को भी फुल सपोर्ट मिलेगा अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो में।